तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के, जी हां विश्वकर्मा चौक से, जहां पर बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित टेम्पो जो है तेज रफ्तार में आता है और दो ऑटो चालकों की ऑटो को जो है, जी हां ऑटो को नुकसान पहुंचाता हुआ सामने आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से घुस जाता है नाले के ऊपर। तमाम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, ये वही ऑटोज हैं जो कि ऑटो चालकों के द्वारा साइड में पार्क करी गई थी, जिसपे अनियंत्रित होकर ये तेज जो है टेम्पो बताया जा रहा है काफ़ी स्पीड में आ रहा था। आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी तेज स्पीड में टेम्पो आता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये जो बताया ये जा रहा है कि टेम्पो को काफ़ी क्षति पहुँच चुकी है। आप सभी को दिखा सकते हैं कि ये टाटा का जो है ट्रक बताया जा रहा है, ये जो सामान लेकर इसमें हैवी मशीनरी लेकर जा रहा था, जिसके बाद तेज रफ्तार में अनियंत्रित होता हुआ नजर आता है। और अनियंत्रित होने के साथ साथ आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से ये जो है पीछे से अनियंत्रित होता है और अनियंत्रित तेज रफ्तार बताई जा रही है, इसके कारण आप सभी को जानकारी दे दें कि ये बैलेंस नहीं हो पाता, जिसके बाद ये जो है नाले की इस दीवार पर चढ़ जाता है और नाले की इस दीवार को काफ़ी जो है आप सभी को जानकारी दे दें कि काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। बताया जा रहा है कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो है ऑटो चालकों के साथ पुलिस जो है मौके पर पहुंची है। क्या कुछ उनका कहना है पूछने का प्रयास करते हैं। मेरे सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जी सोनू है। क्या कुछ हुआ था सोनू? ये शुगर मिल से गाड़ी आई आली। अच्छा, शुगर मिल से गाड़ी आके पहले डिवाइडर पे टकराई, फिर इधर ऑटो दो खड़े थे, हमारे 7 नंबर स्टैंड है, तो हमारे दो टेम्पो खड़े थे, पहले पिछले टेम्पो हमारा छोटे वाले पे, फिर बड़े टेम्पो हमारा, दोनों के मतलब कि एक तो टेम्पो बच गया उधर साइड में हुआ जो कि दोनों तरफ से टूट गया, पर एक टेम्पो डिवाइडर पे जाके क्रॉस कर गया था टेम्पो। उसके बाद शुगर ये समझो कि कोई नुकसान नहीं, कोई सवारी नहीं थी उसके अंदर, अगर कोई सवारी होती तो वो जान से जाता है, या ड्राइवर होता वो भी जान से जाता है। कोई मशीनरी पार्ट सर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे इधर से आ रहे थे शुगर मिल कॉलोनी से, पहले डिवाइडर पे टकराया, फिर टेम्पो पे टकराया, फिर उसके बाद एक कार बचाने के लिए ये ऊपर नाले में चढ़ गया। चार बंदे थे इसमें, ड्राइवर के कोई चोट नहीं लगी, ड्राइवर का ये कह रहे थे कि इन्होंने नशा कर रखा है। अच्छा, ड्राइवर ने नशा करा हुआ है। जी हाँ, आपका क्या नाम है भैया? रोहित। रोहित, क्या कुछ देखा था आपने? भैया ये इधर से आ रहा था ट्रक, बहुत स्पीड में था, तो पहले तो ये डिवाइडर से टकराया, डिवाइडर से टकराने के बाद ये ऑटो में इसने वो करा, गाड़ी को बचाने के चक्कर में ये डिवाइडर से वो नाले पे। चार बंदे थे इसके अंदर। कितने टेम्पो को टक्कर मारी है? दो टेम्पो को मारी है जी, दो टेम्पो को। कितने शाम से ये स्टैंड पूरा कितने समय से है यहाँ पर? ये टेम्पो का स्टैंड जी कम से कम भी लगभग 13 साल से स्टैंड, 13-14 साल से है। और ऐसा हादसा, ऐसा हादसा कोई आज तक पहले नहीं होया, आज पहली बार हादसा, आज पहली बार तेज रफ्तार थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अभी नाले पे चढ़ चुकी है और पुलिस आ गई थी मौके पर? पुलिस मौके पे आई है, तो पुलिस वाले को काफी नुकसान हुआ है, टेम्पो वाले का बहुत, दोनों टेम्पो खत्म हो गए, ऑटो खत्म हो गए, के लिए इनकी कार्रवाई हो जाएगी, तो उनका जो सा नुकसान है वो पत्नी देंगे या नहीं देंगे, वैसे गरीब आदमी इनको देना चाहिए। क्या कुछ लगता है तेज नियंत्रण है, दिन के समय में धीरे चलानी चाहिए, नशा नहीं करके चलाना? हाँ जी, नशा तो बिल्कुल होना चाहिए, कोई सा भी ड्राइवर हो दिन में नशा ना, ये नशे के कारण ही है बिल्कुल। जी हाँ, तो आप सभी को दिखाने का प्रयास करें कि मौके पर जो है हमारे साथ और जो है टेम्पो चालक सवार थे, उन्होंने कहा है कि ये नशे के कारण ही है कि तेज रफ्तार उधर चौक से आता हुआ दो टेम्पुओं को क्षति पहुंचाता हुआ ये किस तरीके से ट्रक जो है नाले की दीवार पर चढ़ जाता है, और नाले की दीवार पर चढ़ जाने के बाद यहाँ पर जो है काफी नुकसान होता हुआ नजर आता है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। आगे से भी इसकी तस्वीरें आप सभी को दिखाना चाहेंगे। इस पर जो नंबर प्लेट है वो भी प्रोफेशनल नंबर प्लेट नहीं है, HR58B9873 इसका नंबर है, और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने काफी जो है क्षति पहुंचाई है, आगे से काफी जो है ये टूट चुका है, और कहीं ना कहीं इसने नाले की दीवार को भी, सरकारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान करने का काम किया है। HR58B9873 का ये जो ट्रक था, ये कहीं ना कहीं जो है नाले में गिरते गिरते बच गया है। जी हाँ, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा हादसा टला है, लेकिन दो टेम्पुओं को, जी हाँ दो टेम्पुओं को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा था, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। आइए बातचीत करने का प्रयास किया हमने, मौके पर तमाम लोग मौजूद थे, तो हम उस टाइम को दे दीजिए इजाजत। आज खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।